BOOM mm -hmm. वेलकम टू योर रीडिंग सो लेट्स सी सैजिटेरियस व्हाट इज रिटर्न इन योर डेस्टिनी इन 2024 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में मैं ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में आपको दूंगी ओके okay? तो चलिए आपके रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर जय हो मंगल हो काज को शफल करते हैं सैजिटेरियस साइन के लिए थैंक यू फोर राइट पहला कार्ड है स्मॉल स्टेप्स बिग अकम्पलिशमेंट्स नंबर एट इस साल का नंबर भी आठ ही है तो यस ये जो साल होने वाला है ये है बेबी स्टेप्स के बारे में ओके okay? और ये जो बेबी स्टेप्स की एनर्जी है ये उन लोगों के लिए खास करके ज़्यादा अप्लाई होती है जो अपनी लेगेसी को बिल्ड करना चाहते हैं या जो लेगेसी के कॉन्सेप्ट के साथ यू you नो know, रेजोनेट हो पाते हैं जो चाहते हैं कि यस वो इस धरती पर अगर आए हैं तो कुछ क्रिएट करें जब वो इस दुनिया से भी चले जाएँ तो पीछे कुछ छोड़ कर जाए यू नो तो ये अगर आपका ऐसा माइंड सेट है सेजिटेरियस तो ये डेफिनेटली कार्ड आपसे यही कह रहा है स्मॉल स्टेप्स यू नो ये जो बड़ी डेस्टनी है आपकी इसके रिगार्डिंग आपको हमेशा चीज़ों को परफेक्ट होने का वेट नहीं करना कि जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होती तब तक मैं अपना बड़ा एक्शन नहीं लूँगा नहीं जितने रिसोर्सेज हैं जितना है एक्शन लो बेबी स्टेप्स लो ये बेबी स्टेप्स भी इतने इम्पैक्टफुल साबित होंगे कि आपको बड़ी बड़ी अकाम्पलिशमेंट्स बड़े बड़े रिवॉर्ड्स बड़ी बड़ी यहाँ पर सक्सेस देखने को मिलेगी जैसे तो ये साल है मेहनत कम और रिवॉर्ड्स ज़्यादा लेकिन दिक्कत यहाँ पर कुछ लोगों की यही हो सकती है कि आप में परफेक्शन का कीड़ा हो सकता है कि जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी ना मैं तो कुछ नहीं करूँगा नहीं जितना है करो क्योंकि उससे भी रिजल्ट मिलेगा जैसे यहाँ पर ना एक एग्ज़ाम्पल मिल रहा है कि जैसे जैसे आप जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब चैनल बनाना है और अभी आपके पास सारी चीज़ें मौजूद नहीं है अच्छा कैमरा नहीं है लाइट्स नहीं है स्टूडियो नहीं है शायद और आप वेट कर रहे हो कि नहीं अभी मैं करूँगा अभी मैं करूँगा लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपका टैलेंट बोलेगा आपका कॉन्टेंट बोलेगा चीज़ें बनती चली जाएंगी स्टूडियो भी बन जाएगा लाइट्स भी आ जाएंगी कैमरा भी मिल जाएगा ओके मेह शुरुआत करो मेहनत करो शुरुआत करो क्योंकि रिजल्ट तुम्हारा वेट कर रहे हैं ओके ये मैसेज है यहाँ पर क्लेम योर पावर मुझे बहुत पसंद है इस कार्ड की इलिस्ट्रेशन भी इसमें बहुत जैसे जो शेर की एनर्जी आप देख सकते हो राइट क्लेम योर पावर नंबर ट्वेंटी फाइव आपसे ये भी कहा जा रहा है कि वो सारे थॉट्स को त्याग दो जिन थाट्स में आप अपने आप को एक विक्टम के रूप में या एक ऐसे पर्सन के रूप में जो हालातों का मारा हुआ है उसके रूप में देख रहे हो क्योंकि अब अब समय आ गया है अपनी इस विक्ट मेंटालिटी से बाहर निकलने का ये साल है अपनी पावर को क्लेम करने का ये साल है अपने चक्रांस को अलाइन करने का आपके चक्रांस में जहां गिल्ट बैठा है शेम बैठी है ग्रीफ बैठी है इल्यूजन्स बैठे हैं इनको रिलीज करने का मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करती हूं सेजिटेरियस चक्रा हीलिंग करें एजुकेट करें खुद को कि चक्रा हीलिंग कैसे होती है यूट्यूब पर भरा पड़ा है कॉन्टेंट उसका लाभ उठाओ ओके okay? अगर आपने इस साल में चक्रा अलाइनमेंट कर ली चकला चकला बोल रही हूँ चक्रा अम, चक्रा हीलिंग अगर आपने कर ली ना ट्रस्ट मी, आप यहाँ पर गुर्राने की स्पेस में आ जाओगे क्लेम योर पावर जैसे ऐसा कह रहा है कोई कि मैं हूँ जंगल का राजा जैसे कि कह रहे हैं कि यस यू नो मैं हूँ वो क्वीन मैं हूँ वो किंग और मैं अपने उस टाइटल को क्लेम करने को रेडी हूँ तो यस आपको यहाँ पर थॉट्स uh, को त्याग देना है हर उस विचार को त्याग दो जिसमें आप एक विक्टम हो जिसमें आपको वो याद आया कि हाँ उसने मुझे बुली किया था उस उस थॉट को उस उस ख्याल को त्याग दो आपको उन एनर्जीज को उन इमोशंस को अब चैनल करने की जरूरत नहीं है ओके ये मैसेज है इस कार्ड का रिश द शैडो नंबर थोड़ी थ्री मैस्टर नंबर है यहां पर आपको यह भी कहा जा रहा है बी प्रैक्टिकल ओके हीलिंग वर्क बहुत हो गया अब थोड़ा लॉजिकल हो जाओ अब थोड़ा प्रैक्टिकल यहां पर बन जाओ ओके okay? तो यस यहां पर जो स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हो उसको करते रहो बट इस साल में मेकश्योर sure करें कि आप प्रैक्टिकल भी रहें आप किसी को भी खुद का खुद का फ़ायदा ना उठाने दें और ये खुद के बारे में भी हो सकता है हो सकता है कि आपने कोई ऐसी पैटर्न uh, मौजूद हो कि जहाँ पर आप थोड़ा सा अति का कर देते हैं चीज़ों को चाहे फिर वो हीलिंग का काम हो चाहे प्यार का काम हो फिवनेस uh, का काम हो इस चीज़ सब करो लेकिन अति से बचो क्योंकि अति करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर खुद को नर्चर करना खुद को हील करना उसकी रिक्वायरमेंट्स पैदा हो जाएंगी राइट सो बी प्रैक्टिकल ओके बी प्रैक्टिकल हीलिंग वर्क करो लेकिन एक बाउंड्री के साथ फॉरगिव करो लेकिन एक बाउंड्री के साथ एक होता है ना कि फॉरगिव कर रहा हूँ लेकिन फॉरगेट नहीं करूँगा भूलूंगा नहीं ओके okay? ताकि आप क्यों नहीं भूल रहे हो उस चीज को ताकि आप फिर दोबारा से आपके साथ वो हादसा ना हो सके आप उस, उस उस चीज़ को इस तरीके से जिंदा रखे हुए याद रखे हुए हो तो ये आपको करने की बेसिकली जरूरत है इस साल में ओके नेक्स्ट कार्ड देखते हैं वाओ यू आर मोर जो भी सोचे बैठे हो सजिटेरियस अपनी लाइफ के लिए ओके okay? मैं इस कार्ड के इस कार्ड से मतलब ये आपको गाइडेंस दे रही हूँ ये मेरा मैसेज नहीं है ये डिवाइन ऑरिकल डेक का मैसेज है आपके लिए मैसेज ये है कि तुम जो भी अपने लिए सोच के बैठे हो कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. तुम दरअसल अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो तुमको ज़्यादा मांगने की जरूरत है तुम्हें ज़्यादा बड़ा सपना देखने की जरूरत है ज्यादा बड़ा विजन बोर्ड बनाने की जरूरत है जैसे लिटरली लेवल अप की एनर्जी है और आपको कहा जा रहा है ये तभी होगा जब आप पहले अपने आप को देखोगे इस रूप में पहले अपने आप को समझाओ कि हां भाई मैं ज्यादा मतलब डिजर्व करता हूं मैं बहुत कम मांग रहा हूँ मेरी जो मेरी जो यू you नो know, यहां पर शख्सियत है वो ज्यादा डिजर्व करती है और ज्यादा को यहां पर संभाल भी पाएगी ओके okay, तो वो एक्सपेंसिव जो माइंड सेट है प्लेस उसमें टैप इन करो इस साल में ये पॉसिबिलिटी है कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी खास करके आपको एक्सपेंशन की एनर्जी में ही टैप इन करने में मदद करें यहाँ पर मुझे ईगल स्पिरिट दिख रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए आपके ईगल स्पिरिट हो सकते हैं या फिर कोई और यहाँ पर यू you नो know, स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं आपके अगर आपको पता है आपके स्पिरिट गाइड कौन है इसकी जैसे उनका कॉन्टिन्यूसली जो एक मैसेज बना रहेगा इस साल में वो ये है कि एक्सपेंशन के साथ जुड़ो यू नो एक्सपेंसिव बनना सीखो क्योंकि तुम इसी चीज़ के लिए बने हो ओके okay? ये मैसेज है यहाँ पर कीप ट्राइंग येस आपको कहा जा रहा है जारी रखो अपनी मतलब um, आपकी ये जो तपस्या है अपनी लाइफ को बनाने की अपनी लाइफ को सुधारने की अपनी बॉडी को भी हो सकता है क्या कुछ लोग यहाँ पर अपनी अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर कुछ नो काम कर रहे हैं अपनी आपकी तपस्या लग रही है और कोई देख नहीं रहा आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो आपको कहा जा रहा है चुपचाप अपनी उस मेहनत को जारी रखो अपनी उस मेहनत को बनाए रखो क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब तो वो एक स्टार की जैसे कि अगर आप देखें इसमें स्टार की एनर्जी है स्टार फिश की राइट तो जब वो टाइम आएगा ना जो भी आप चुपचाप मेहनत कर रहे हो पर्दे के पीछे और कोई किसी को नहीं पता कि मतलब आप किस किस यू you नो know, चीज़ से गुजर रहे हो करते रहो करते रहो मेहनत जिस दिन वो मोमेंट आया रिजल्ट्स का ढंडोर अपने आप से पीट पिट जाएगा जगह जगह आपकी खुद ही चर्चा हो जाएगी ओके तो ये जो कार्ड है आई थिंक इसका मेन मैसेज यहाँ पर यह है मेहनत तो मेहनत तो जारी रखो पर एट द तो सेम टाइम इस समय शो ऑफ से बचो इस समय किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरा ये प्लान है मैं वो करने वाला हूं जब वो होगा अपने आप से पता चल जाएगा ओके okay? थोड़ा हम्बल बनना है अपनी एग्जिस्टेंस में अननोन गिफ्ट्स कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अननोन गिफ्ट्स के साथ अननोन अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो अभी आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपका इंतजार कर रही हैं ओके okay? um, जैसे यहां पर ना कह लीजिए कि, कि किसी का टैलेंट आप कुछ और जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई किसी और चीज़ की करके बैठा है लेकिन उसको जो ऑपरचुनिटी मिलेगी वो किसी टैलेंट से जो जो आपका मतलब हॉबी हो सकती है या आपका टैलेंट हो सकता है ये उसके बारे में हो जैसे ऐसा कोई पाथ आपका यू नो नोक्रॉस कर सकता है कोई पर्सन जो आपको शायद आपकी पढ़ाई के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना दे लेकिन आपके किसी टैलेंट के लिए किसी खूबी के लिए आपको यू नो अपर्चुनिटी दे तो कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि गुगली आ सकती है आपके करियर पाथ में ओके okay? ये एक चीज़ मुझे दिखती है और जो फाइनल कार्ड है वो है इट्स इन यू नंबर ट्वेंटी फोर जो भी चाहिए पहले खुद के अंदर ढूंढो अगर खुद के अंदर नहीं मिल रही तो वो साइन होगा कि अभी आप इस विशुअल फुलफिलमेंट के लिए नहीं बने ओके okay? ये जैसे एक किस्म का मिरर है तभी यहाँ पर बहुत सारी क्रिस्टल्स की एनर्जी मौजूद है तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है अगर मान लीजिए तुम्हें बाहर सक्सेस चाहिए तो क्या अपने भीतर किसी सक्सेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो क्या अंदर किसी कोई इनर वर्क करके किसी किसी ठीक किसी चीज़ को ठीक किया आपने अगर बाहर कोई सुंदर आपको पार्टनर चाहिए क्या वो सुंदरता आप अपने अंदर ढूंढ सकते हो जो बाहर ढूंढ रहे हो अगर अंदर मिल जाए तो वो विश आपके साथ अलाइनमेंट में है और वो इसी साल में कम्प्लीट भी होगी पूरी भी होगी लेकिन अगर वो जो चीज बाहर ढूंढ रहे हो भीतर ना ढूंढ पाओ तो वो इशारा है कि अभी इस विश के फुलफिल होने के लिए अभी आप रेडी नहीं हो ओके okay? ये आई थिंक एक मिरर की एनर्जी आपको बहुत हेल्प कर सकती है ओके थैंक यू लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताते हैं हार्ट पहला कार्ड मास्टर की एनर्जी है ये पॉसिबिलिटी है कि इस साल में आप बहुत स्टूडेंट कॉन्शियसनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो और जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप टीचर ही होंगे तभी मतलब वो स्टूडेंट एनर्जी आपकी तरफ आएगी ना स्टूडेंट एनर्जी मतलब ऐसे लोग जो आपके जैसा बनने की कोशिश करें या फिर जो उनके पास ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपके पास मौजूद हैं ओके okay? सो so, जैसे बहुत सारे लोग आपको एक मास्टर एनर्जी के रूप में मास्टर सोल के रूप में देखें या पहचाने कि यू नो ये दिग्गज है ये एक्सपर्ट है अपने फील्ड में अपने काम में या इस ये मेरे जीवन की जो प्रॉब्लम चल रही है इसका सोल्यूशन इस पर्सन के पास होगा क्योंकि ये पर्सन औरों की भी मदद कर चुका है यू नो तो जैसे ऐसा ऐसा माइंड सेट यहां पर आ, लोगों का बन रहा है आपके बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में ओके okay? जैसे आपको एक मास्टर सोल के रूप में कंसिडर किया जाएगा वी हैव द सेवन ऑफ कप्स आई ऑल्सो बिलीव आप अपनी फैमिली लाइन को या ब्लड लाइन को बहुत स्टडी करोगे क्योंकि हारोफेंट अपने आप में खोल एनर्जी है तो यहाँ पर ये ब्लड लाइन का सबकॉन्शियस हो जाता है फैमिली ट्री हो सकता है आपका आप अपने फैमिली ट्री में हो सकता है कि डिसईज या जो सिकनेस रही है आप उसके पैटर्न को स्टडी करें ताकि आप अपनी खुद की ब्लड लाइन हीलिंग कर सकें ओके ये भी पॉसिबिलिटी है कि आ, आपको अपनी किसी सिकनेस का जो रीजन है जो रूट कॉज है वो भी पता चल जाए कि ये मेरे मेरे बॉडी में ये पेन क्यों मैनिफेस्ट हुई कोई ना कोई बीमारी को लेकर जैसे कोई रेवल्यूशन या कोई सल्यूशन है इस साल में और वो क्लिक करेगा आपके दिमाग में ओके okay? तो यहां पर बहुत सारी फिजिकल हीलिंग पॉसिबल है आपके लिए सेजिटेरियस थ्री ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई थिंक इम्बैलेंस ये सेवन ऑफ कप्स में इन्वर्टेड ट्राइंगल होता है ओके okay? और यहाँ पर भी थ्री की एनर्जी ट्रिनिटी ट्रिनिटी की ही एनर्जी है यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन की जो इम्बैलेंसड एनर्जी है खास करके बुरी आदतों की इल्यूजन्स की ऐसे लोगों से घिरे होना जो आपके अंदर से गंदे विचार निकाल बाहर निकालें गंदे गुण बाहर निकाले गंदी बातें आपके बाहर आप आपके अंदर से बाहर निकालें एक होता है ना कि कुछ लोग हमें हमें, हमें आ, हमारी अच्छाई के रूबरू करवाते हैं और कुछ लोग हमें हमारी बुराई के रूबरू करवाते हैं तो ये जो बुरे लोग हैं जो आपको अच्छा नहीं बनने दे रहे आई थिंक आप इन लोगों को पीछे छोड़ने वाले हो जैसे यहाँ पर बहुत जैसे शार्प एनर्जी है जैसे कोई

रोड अवेकनिंग का काम करोगे उन लोगों के लिए ओके यस वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्स अच्छा क्रोध है ये सेवन प्लस टेन की सेवन प्लस थ्री की एनर्जी टेन ऑफ वॉन्स भी बनती है मेक um, श्योर sure करें कि आप यहां पर um, अगर एक डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही लेट से कि एक डिज़ायर उठी और आपने एक्शन लेना शुरू किया लेकिन वो नहीं पूरी हो रही तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन निकालने की जगह किसी और चीज़ पर किसी और डिज़ायर पर अपना ध्यान ले जाओ खुद से पूछे कि मैं और कौन सा काम कर सकता हूँ अगर आपने ये नहीं किया तो ये चीज़ आपको बहुत एग्जॉस्ट कर सकती है मैंने तभी पहले कहा आपको अति से बचना किसी भी किस्म की अति से बचना प्रैक्टिकल काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्परिचुअल स्परिचुअल जितना ज़रूरी है उतना प्रैक्टिकल तो ये बेसिकली उसकी ऊर्जा है ओके तो डिज़ायर्स में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसी से ही आप अपने क्रोध को भी सही ढंग से यूज कर पाओगे नाइन ऑफ सोथ की एनर्जी आई ऑल्सो बिलीव आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी अपने नाइट टाइम रूटीन के लिए सब हाव आपका सोने का ढंग ठीक नहीं है सेजिटेरियस आपका सोने का ढंग वैसा नहीं है जैसा आप बनना चाह रहे हो आपको बड़ा पर्सन बनना है लेकिन जैसे ही रात होती है तब आप अपने वो एवरेज वर्जन में चले जाते हो जो जो सेम बुरी पैटर्न्स को यू नो रिपीट करना फ़ोन चलाना या अच्छे से सोना नहीं या बहुत हैवी खाना खाना सम हाव रा, ना, रा नाइट टाइम रूटीन आपका अच्छा नहीं है और आपको इसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल में ये जो ऊर्जा बनी हुई है आपकी लाइफ में इसके चलते बॉडी भी आपको कोई साइन दे दे जिसे कोई फाइन, फाइनल वार्निंग आपको मिल जाए कि हाँ इसके बाद तुम ये पैटर्न को रिपीट नहीं कर सकते ओके तो किसी किस्म की बॉडी से जुड़ी हुई अवेकनिंग भी हो सकती है आपकी ओके समय रहते इस चीज को ठीक कर ले मैं आपको यही सलाह दूंगी सी वी हैव द एट ऑफ सो वी हैव हाई प्रीस्टेस वी हैव दिक्कस ऑफ सोर्स दिस इज गड क्योंकि ये कहता है कि ये जो स्ट्रक एनर्जी है उसमें मूवमेंट आ रही है अगर आपने काफ़ी लंबे समय से ट्रैवल नहीं की सेंसीटेटिज मतलब कहीं गए ही नहीं घूमने एक तो होता है कि ट्रैवल ट्रैवल और एक होता है कि किसी रिश्तेदार के भी नहीं गए आप यू you नो know, तो ये पाथ ओपन होगा ट्रैवलिंग का पाथ में ओपन होते हुए देख रही हूँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या इन्विटेशंस मिल सकते हैं कोई आपको um, फ्री में भी बोल सकते हैं कि चलो मैं तुम्हारा ट्रिप जो है स्पॉन्सर करता हूँ तुम बस चलो मेरे साथ यू you नो know? तो आपको कहा जा रहा है प्लीज़ डू इट प्लीज़ 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 वो ट्रैवल करो ये आपकी बॉडी जैसे कह रही है कि मुझे ज़रूरत है तुमको नहीं ज़रूरत है तो तुम्हारे ने मुझे पता लेकिन आपकी बॉडी कह रही है मुझे एक यू नो ट्रैवल करने की नई लोकेशंस पर जाने की थोड़ा रिट्रीट मोड में जाने की ज़रूरत है ओके सो प्लीज़ ट्रैवल जितना भी कर पाओ इस साल में जितनी भी पॉसिबल हो दूर की हो पास की हो प्लीज़ करो वो आपके इम्बैलेंस uh, को रिस्टोर होने में मदद करेगी बैलेंस में आने में मदद करेगी आपकी ओके आई ऑल्सो बिलीव ट्रैवल इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप ताकि आप फिर से रियलाइज़ कर सकें कि आप जितना आप अपने आप को सोच रही हो ना कि आप बेचारे हो या आप विक्टिम हो या आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा ये ये सारे थॉट्स से भी आप बाहर निकल जाओगे ओके हाई प्रिस्टर से बेसिकली अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ के रूबरू होना जो होल है जो पवित्र है जो प्योर है जो पावरफुल है जो और इसके लिए भी आपका ट्रैवल करना बहुत जरूरी है ओके सो यस, प्लीज करें ना लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं सजिटेरियल थैंक यू ओ माई गॉश स्पिरिचुअल यूनियन सी इसका नंबर भी टू है इस कार्ड का और ये वाला कार्ड जो है द वेटिंग गेम इसका नंबर भी टू है सच्चा प्यार राइट पार्टनर अगर इसको लेकर बहुत लोगों का इंतज़ार चल रहा है कि कब होगा कब होगा कब होगा अगर कुछ लोगों की कोई दशा भी ऐसी चल रही थी जिसके लिए आपको बोला जा रहा था कि इस उम्र से पहले आपको शादी नहीं करनी या अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने मतलब ऐसा बोल रखा था आपकी फ़ैमिली को कि इस आयु से पहले इस एज से पहले इसकी शादी नहीं करनी तो आई थिंक वो पीरियड यहाँ पर इस साल में एंड हो रहा है क्योंकि मैं आपके लिए यूनियन देख रही हूँ जैसे किस, कुछ लोगों का जैसे थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो आ, आप ऐसे पा, पार्टनर के साथ यहाँ पर यू नो यूनियन में आ सकते हैं जिसका थोड़ आय चक्रा अवेकंड है जो चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी हैं यू you नो know, मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाता तो ये yes, इस पोर्सन के साथ आपकी जो है आ, मुझे यूनियन होती हुई नजर आ रही है ओके okay? ये कुछ लोगों के लिए बेबी भी, भी, भी है फॉर सम रीजन मुझे मुझे बच्चा सुना जैसे जैसे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखें इसमें you know, यू नो यू नांग है और बीच में यहाँ पर ये जो ऊर्जा है आ, ये सी कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है गाइस जैसे बहुत लंबे समय से आपने शायद टाला प्रेगनेंसी को लेकिन जैसे ये साल आपका है यू you नो know, और यहाँ पर चार की एनर्जी बन रही है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके ट्विंस हों मुझे ट्विंस की एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है रेस्ट एंड रिजुविनेट जो कि मैंने आपको ट्रैवल का मैसेज दिया है सी ओ माय गॉश वाओ लीक इट दिस कार्ड वी हैव लव बिगंड्स एस ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ टू ऑफ कप्स भी हैं सो um, क्लियरली यहाँ पर लव रिलेशनशिप में मीटिंग्स हैं ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं उनका पाथ क्रॉस हो रहा है इस साल में ओके okay? बहुत सारे नए रिलेशनशिप्स मुझे दिख रहे हैं न्यू लव दिख रहा है लोग यहाँ पर अपने प्यार को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे तो फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं आ, अगर आप मैरिड हैं अगेन तो प्रेगनेंसी में ज़रूर देख रही हूँ मुझे ट्विंस दिख रहे हैं आपके लिए ओके फर्म फाउंडेशन वाओ वाओ पॉसिबिलिटी <laughs> है इस साल में आ, कि कुछ लोग यहाँ पर अपना घर लें ओके फर्म फाउंडेशन का बात करते हैं कि एक जैसे किसी ने अपना बेसिक मुद्दा सॉल्व कर लिया ये गाड़ी भी हो सकती है ये खुद का घर भी हो सकता है ओके okay? बट समहा जैसे कुछ बोझ है आपके सर से जो हट रहा है कि चलो मैंने फाइनली ये चीज़ कर लिया अब मुझे इस चीज़ के, के लिए पैसा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तो कोई किसी किस्म की फॉर्म फाउंडेशन जो है इस साल में आप गेन करोगे ओके पेशेंस ओके द वेटिंग गेम का भी मैसेज है लेट्स सी इसके बारे में ओह माय गॉश वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट लिटरली घर की तो यस yes, अगर आप बहुत समय से सोच रहे हो घर का प्लॉट लेने का सही नेबरहुड में घर मिल जाए या घर आपका कंप्लीट हो जाए ये यू you नो know, ग्रह प्रवेश की भी एनर्जी हो सकती है कि इतनी देर से काम चल रहा है कब होगा कब होगा जैसे वो चीज़ कंप्लीट हो रही है पेशेंस के ये जो ये जो पेशेंस रखने को बोला गया वेटिंग गेम है ये एंड हो रहा है यहाँ पर ओके वी हैव लाइट ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका प्यार अभी तक आपने छुपा के रखा था दुनिया से यू you नो know, तो वो अब रोशनी में आए यू you नो know, आप अपना पब्लिक कर दो तो अपने रिलेशनशिप को तभी मैंने कहा कुछ लोगों के लिए फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड वी हैव इमोशनल लॉस कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब एक रीज़न बनेगी मूवमेंट का या तो आप अपनी जॉब को पसंद करना बंद कर दोगे या आपकी अम, हो सकता है कि आपको ये जॉब किसी कारण किसी कारण की वजह से छोड़नी पड़े लेकिन यहाँ जहाँ पर यह होगा वहाँ पर एक नई जॉब जो कि बेटर भी होगी और नई लोकेशन पर होगी उसका आपको यहाँ पर कह लीजिए कि मौका मिल सकता है उसकी वजह से आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है ओके तो जॉब या करियर कुछ लोगों के लिए नई लोकेशन पर जाने का रीज़न बनेगा इस साल में फुलफिलमेंट ऑफ विशेज नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी टेस्टनी ओके okay, एक चीज़ पक्की है अगर आपने इस साल की शुरुआत में जब मतलब जनवरी का महीना पहली जनवरी लेट से की जब 2024 शुरू हुआ तो उस समय के दौरान अगर आपने कुछ सोचा मनी के बारे में नंबर्स के बारे में कि यू नो इस साल में मुझे इतना अंक देखना है अपने मतलब लाइफ में मुझे अपने बैंक में इतना इतनी अमाउंट देखनी है आप डेफिनेटली उसे उसे कंप्लीट कर लोगे ओके okay, ये नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी डेस्टनी के बारे में है और यहाँ पर ट्रेजर की एनर्जी है तो ये कंप्लीशन के बारे में है ओके okay? तो मनी को लेकर अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक नंबर है आप थाउजेंड परसेंट इस मतलब साल में उसको यू नो अचीव कर लोगे बट अगेन ये आपने कहीं ना कहीं विश मांगी है फर्स्ट जनवरी को तब ओके okay? जैसे यहाँ पर कह रहा है कोई कि मैंने सही टाइम पर सही विश मांगी और वो इस वजह से वो मेरी पूरी हुई तो जैसे वो फर्स्ट जनवरी कुछ लोगों के लिए पोर्टल था ओके okay? तो विजन बोर्ड भी हो सकता है ये आपका ओके बट यस यहाँ पर वो मुझे स्पेसिफिक अमाउंट को आप यू नो गेन करते हुए नजर आ रहे हो इस साल में ओके ऑल राइट्स एजिटेरियल ये है आपकी रीडिंग बहुत प्यारी रीडिंग है आप भी जरूर बताइएगा कि ये कैसे आपके साथ रेजोनेट की ओके okay? प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा टेक केयर बाय